रहमानिरहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2023 चल रहा है और इस वक्त 21st सेंचुरी के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है स्किल, यानी कि हुनर। अगर आपके पास कोई हुनर है, आप उससे अपने लिए भी कमा सकते हैं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं, और सबसे बेहतरीन चीज़ है अपने स्किल को शेयर करना, आगे लोगों तक पहुँचाना। हमारा काम है इंस्पिरेशनल पाकिस्तानी दिखाना, ये है डिमांड चैनल। आज हम आपको एक ज़बरदस्त से पाकिस्तानी से मिलने लगे हैं, जो हमारे साथ मिल के आपको दिखाएंगे अपनी ज़बरदस्ती मोबाइल रिपेयर एकेडमी, जहाँ पे हैंड्स ऑन लाइव मोबाइल रिपेयर करना और मेंटेन करना सिखाया जाता है। आइए शुरू करते हैं ज़बरदस्ती वीडियो और देखते हैं जी मोबाइल फिक्स। अपने वादे के मुताबिक हम मौजूद हैं जी मोबाइल फिक्स, ये है रानिया मॉल सदर में हम मौजूद हैं। हम आपको मिलवाने लगे हैं एक ज़बरदस्त पाकिस्तानी के साथ, जिन्होंने पहले मोबाइल रिपेयरिंग खुद सीखी, उस टेक्नोलॉजी को मास्टर किया, और आज वो लाइव क्लासेस में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं अपनी अकेडमी के अंदर। हम इनसे बात करते हैं, आपको दिखाते हैं, मोबाइल सबके टूटते रहते हैं, अगर आपका भी मोबाइल टूटा है और आप चाहते हैं कि आप उसको रिपेयर करना सीखें या आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो इस वीडियो में जुड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? जिशान। जिशान भाई, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये आइडिया आपको कैसे आया और आपने कैसे स्टार्ट किया? ये तकरीबन हो गया मुझे 2008 में मैंने ये काम स्टार्ट किया था, तो अभी तो तकरीबन हो गए 14-15 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। तकरीबन रिपेयरिंग का शुरू से मैं कर रहा हूँ, जिसमें मतलब रिप्लेसमेंट भी है, हार्डवेयर भी आ जाता है, आईफोन का भी तमाम काम ये मैं कर लेता हूँ। आप बेसिकली आपकी क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिक मैंने की हुई, मैट्रिक की हुई है। मैट्रिक करने के बाद आपने खुद ये स्किल सीखा? जी जी बिल्कुल। और अब आप सिखा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास कितने स्टूडेंट्स एट अ टाइम सीख सकते हैं? अभी तो तकरीबन मेरे पास जगह कम होने की वजह से तकरीबन 8 या 10 मतलब मैं रखता हूँ, उससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं करता, क्योंकि लड़कों की जगह कम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेंच के हिसाब से होता है कि अगर लड़के ज़्यादा हो जाए तो हम 2 बेंच कर लेते हैं, मतलब एक सेकंड टाइम कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम कर लेते हैं, जिसमें लड़कों को मतलब हुनर सिखाया जाता है। हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि बेंच से क्या मुराद है और कौन कौन से मोबाइल से हम यहाँ पे आके सीख सकते हैं रिपेयर करना, और क्या क्या कुछ सीख सकते हैं? मोबाइल की फील्ड में ये होता है कि सबसे पहले तो हमने रिप्लेसमेंट रखी हुई कोर्स के हिसाब से, फिर हार्डवेयर कोर्स आ जाता है जिसमें रिप्लेसमेंट भी उसमें आ जाती है, ग्लास वगैरह चेंज करना, आईसी वगैरह चेंज करना, सीपीयू रीबॉलिंग आ जाती है, प्रोग्रामिंग आ जाती है, और लेवल 3 होता है हमारा, मतलब कि आईफोन के जो बड़े मॉडल होते हैं ना उनके ऊपर रिपेयरिंग करवाते हैं, जैसे कि बोर्ड स्वैप करवाना, उसके सीपीयू मतलब वो बनाना, रिबॉल करना, फेस आईडी बनाना, प्रोग्रामिंग करना, जो भी मतलब काम आ जाते हैं आईफोन के वो भी हम करवाते हैं। यानी कि चाहे सॉफ्टवेयर का इशू हो या हार्डवेयर का इशू हो, यहाँ पे कोर्स अवेलेबल। जी जी, तो हम आपको याद दिला दें कि हम इस वक्त मौजूद हैं रानिया मॉल, ये है जी मोबाइल फिक्स लाइव ट्रेनिंग अकेडमी, जहाँ पे डे 1 से आपको मोबाइल के ऊपर प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली बिठा के सिखाया जाता है, आपको समझाया जाता है कि ये हुनर हासिल करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और वही यहाँ पे चल रहा है। हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये हमारे व्यूअर्स को बताएं। हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो पहले तो रिप्लेसमेंट में आ जाता है हमारा काम, फिर हार्डवेयर में आ जाता है, फिर सॉफ्टवेयर में भी आ जाता है, सॉफ्टवेयर भी हम करवाते हैं उसमें, फिर हमने आईफोन के एडजस्टमेंट भी एंड्रॉयड भी किए हुए हैं और आईफोन भी किए हुए हैं, इन दोनों के हम कोर्सेज कराते हैं। एंड्रॉयड में जितने मॉडल आ जाते हैं वो सारे एडजस्टमेंट किए हुए हैं और आईफोन भी इसमें इंक्लूड है। ज़बरदस्त। अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे काम लाइव चल रहा है, टेलीस्कोप कनेक्टेड है इस लार्ज स्क्रीन के साथ। सर, ये हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इस वक्त ये क्या काम हो रहा है? ये जैक लगाने का मैं तरीका बता रहा हूँ इनको, एक ट्रिक्स के साथ जो हमारा अपना ट्रिक्स है, मतलब कि हमने इनको लगाने का तरीका बताना है कि कैसे लगाते हैं। अक्सर बाज़ूकात ये होता है कि मेल्ट हो जाते हैं ये वाले जैक,
मतलब हेड गन से जब लगाते हैं तो मेल्ट हो जाते हैं। अब इसको लगाने का हुनर बता रहे हैं कि आप मेल्ट भी ना करें और हेड गन नॉर्मल से नॉर्मल भी हो उसके साथ भी आप इसको लगा सकते हैं। ये कौन सा सेल है जो आईफोन 7 प्लस है? और ये लड़का यहाँ पे बैठ के अगर हमारा कैमरा दिखा सके, ये टेलीस्कोप के ऊपर इसको एडजस्ट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो इस तरह ये जो स्किल्स हैं इसके डिफरेंट लेवल, जैसे आप कह रहे थे, जी जी, लेवल वन पे क्या सिखाते हैं और उससे आगे कैसे चलते हैं? लेवल वन में हमारी होती है रिप्लेसमेंट होती है, जिसमें एलसीडी लगाना, केसिंग चेंज करना, एलसीडी ग्लास चेंज करना, ये लेवल वन में है। और लेवल टू में हमारा हार्डवेयर स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आप पेस्टेड आईसी सीपीयू या 8 प्लस तक जितने भी मॉडल होते हैं वो सारे इंक्लूड है, उसमें डायग्राम भी आ जाती है। डायग्राम का आप जिक्र कर रहे हैं, डायग्राम क्या चीज है? डायग्राम बिट मैप है, मतलब आपका कोई पॉइंट डैमेज हो जाता है ना, पहले ये होता था कि आपको ये सर्किट डायग्राम है, बोर्ड की है या ये आईसी है? आईसीयू की भी होती है और बोर्ड की भी होती है, ये इसलिए होती है कि आपका कोई पॉइंट डैमेज हो जाए तो आप इससे बआसानी ढूंढ सकते हैं कि इसका दूसरा लिंक कहाँ से जा रहा है। तो अगर एक बच्चा है जिसका पहले बैकग्राउंड नहीं है, जैसे हम बता रहे हैं आप स्किल सीखना चाहते हैं, तो आप उनको पहले ये सर्किट डायग्राम रीड करना सिखाते हैं? जी बिल्कुल, वन मंथ में ही हम ये अल्हम्दुलिल्लाह आईसी का काम सिखा देते हैं। जी हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इस वक्त क्या हो रहा है। ये जो ये भाई लेवल 3 कर रहे हैं, इन्होंने बाहर जाना है, तो इसलिए हम इसकी जो आईफोन की जो बैक होती है कांच की होती है वो रिप्लेस करना हम बता रहे हैं, क्योंकि लेजर करवा के उसके बाद इसको उतारते हैं, उतारने के बाद सफाई करवा के उसको लगाने का तरीका हम बताते हैं, ताकि इनको बाहर जाके कोई भी जितने भी फोन होते हैं उस पर आसानी से ये लगा सकें उसको। ठीक है, इनको कितना अर्सा हो गया? इनको तकरीबन 1 मंथ हो गया अभी, तकरीबन आईसीडी बॉलिंग भी कर लेते हैं, मतलब सारा टोटली कर लेते हैं, अभी ये लास्ट काम पे जा रहे हैं। एक महीने में माशाल्लाह ये इस लेवल तक पहुंच गए कि ये आईफोन की रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ग्लास की। जी जी बिल्कुल। ये जो इसके अलावा जो काम है आपके पास वो कौन कौन से हो रहे हैं, वो भी हमारे लिए? बाकी ये भाई हैं हमारे, ये हमारे हैं जी भाई, एक आईसी का कर रहे हैं काम, सिग्नल आईसी का मेरे ख्याल से ये कर रहे हैं, क्योंकि आईसी उतारना लगाना उसको अभी इनको थोड़ा सा आईसी का काम कर रहे हैं, क्योंकि आईसी उतारना और लगाना, इसको रीबाल करना, कैसे इसको उठाना है और कैसे इसको करना है, बेसिकली क्या चीज़ है ये भी हमारे रीबॉल करने का मकसद ये होता है। पेस्टेड आईसी आते हैं, पहले ये आता था कि आईसी एक जगह से उतारा दूसरे फ़ोन में लगा देते थे, इंस्टॉल कर देते थे, लेकिन अभी ये होता है कि पेस्टेड आईसी होते हैं, उनके साथ गिलू लगी होती है, गिली को क्लीन करना होता है, फिर उसको रीबॉल किए बगैर हम दूसरे फोन पे या उसी फोन पे दोबारा लगा सकते हैं। पूरा बोर्ड एक फोन से दूसरे बोर्ड? हाँ बिल्कुल, इसको स्वैप बोलते हैं हम, मतलब एंड्रॉइड भी आईफोन भी स्वैप हो जाता है, एंड्रॉइड और आईफोन की स्वैपिंग कह रहे हैं। अच्छा ये किस लेवल का है ओवरऑल? ये लेवल 3 में आ जाता है। औसतन ऑन एन एवरेज आपका कोर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है? हमारे जो लेवल 1 होता है, लेवल 1 में रिप्लेसमेंट है, उसमें हमने तकरीबन 30,000 रखी हुई है 1 मंथ की फीस। उसमें ये होता है कि कंप्लीट कोर्स हम 1 महीने में करवा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रिप्लेसमेंट का मतलब आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, ये मुकम्मल हम 1 मंथ में कंप्लीट करवाते हैं। और जो हमारा होता है लेवल 2 में हार्डवेयर होता है, ये फ्रेश लड़का जो होता है उसको तकरीबन 2 मंथ लग जाते हैं, लेकिन 1 मंथ की जो हमारी फ़ीस है 40,000 है उसकी। और जो लेवल 3 की है हमारी वो 50,000 है, वो 1 मंथ की है, और 1 मंथ वो कर सकता है जो पहले से लेवल 2 जानता हो, मतलब कि जो पहले से काम कर रहा होता है उसके लिए होता है। और इनके हवाले से अगर ये वीडियो देख के आप हमारे पास आएंगे तो इंशाल्लाह और भी डिस्काउंट कर देंगे आपके साथ। We'll be right back.
आज हमने आपको दिखाया जी मोबाइल फिक्स, हम थे सदर में मौजूद, हमने आपको मिलवाया जी मोबाइल फिक्स के ओनर से, इस आइडिया के बानी से। दिखाने का मकसद वही जो हमेशा की तरह हम कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमने आपको ये दिखाया कि आप अपने मोबाइल को रिपेयर करना, उसका सॉफ्टवेयर रिपेयर करना सब कुछ सीख सकते हैं और कैसे उसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, डिमांड चैनल को याद रखें और इस बात को भी याद रखें कि पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है और हमेशा की तरह सासों ने वफा की और पाकिस्तान से मोहब्बत का सिलसिला जारी रहा। तो मिलेंगे एक और ज़बरदस्त पाकिस्तानी के साथ, दिखाएंगे एक और ज़बरदस्त पाकिस्तानी सेटअप। तब तक के लिए डिमांड चैनल उसकी पूरी टीम को दें इजाज़त, खुश रहें, आबाद रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।